हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोस्टल एंगलर। तो दोस्तों, फिर एक बार हम आए हैं फिशिंग करने के लिए। तो आज का टॉपिक है दोस्तों जिगिंग। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में कि आप जिगिंग करना चाहते हैं या जिगिंग करना सीखते हैं तो आपको इसके लिए क्या क्या लगेगा और क्या टेक्निक है जिगिंग करने का और टाइप्स ऑफ जिग्स हम कोई कुछ और एक वीडियो में देखते हैं। आज हम बेसिक जिगिंग के बारे में देखेंगे, कैसा होता है जिगिंग, यानी ये जिग्स जो मेटल जिग्स हैं हम लोग शोर से यूज़ करते हैं जिगिंग करने के लिए, जिसको शोर जिगिंग कहते हैं। इसके लिए आपका रॉड कैसा होना चाहिए या फिर आपका रील कैसा होना चाहिए या लाइन कैसा होना चाहिए, ये हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आज हमने इतने सारे फिश जिगिंग के ऊपर हमने कैच किए हैं। बहुत सारे फिश हमने रिलीज़ किए, क्वीन फिश, क्योंकि ये हम लोग उसको खाते नहीं हैं। तो कुछ कोकेर है और एक फिंगर मार्क है। तो देखते हैं हम इसको कैसे पकड़े हैं। तो दोस्तों, जिगिंग करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रॉड है। यूजुअली हमें ऐसा रॉड चाहिए, मीडियम फ्लेक्सिबल रॉड चाहिए, जिसके ऊपर आप अच्छा सा एक्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सूरज भाई ने एक और मच्छी निकाली है जिगिंग के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं रॉड के बारे में। और हम लोग यहाँ पे रॉड यूज़ कर रहे हैं डाइवा का फैंटम स्नैपर या डाइवा का फैंटम पावर, ऐसे रॉड्स यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। मीडियम हैवी एक्शन है और बहुत ही फ्लेक्सिबल एक्शन है, मीडियम फ्लेक्सिबल एक्शन है, जिसके ऊपर आप अराउंड 50-60 ग्राम्स के भी जिग आराम से आप खेल सकते हैं और लंबा कास्ट कर सकते हैं। गाइस, मैं अब यूज़ कर रहा हूँ 30 ग्राम का जिग है, लुकाना प्रेडिएटर जिग, और इस पे हमने बहुत सारे मच्छी निकाले अभी, तो इसका कलर वगैरह फेड हुआ है। तो कोई बात नहीं, ये एक्शन के ऊपर से मच्छी पकड़ लेगा इसको। और यहाँ पे फ्लोरो का 60 पाउंड का लीडर यूज़ कर रहा हूँ और ब्रेडेड लाइन जो हम यूज़ कर रहे हैं सुफिक्स का 131 35 पाउंड 0.28 mm का ब्रेड है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन ब्रेड है जिगिंग करने के लिए और लॉन्ग कास्ट के लिए। तो चलिए देखते हैं आप कैसे जिगिंग करना है या कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए, आपको जिग को जितना लंबा हो सके आपको इतना कास्ट करना है और उसको पूरा, अगर रॉकी स्ट्रक्चर है तो पूरा मत छोड़े, अगर सैंड है आगे तो आप पूरा उसको बिठा सकते हैं और आराम आराम से जो एक्शन है आप देख सकते हैं, रॉड का एक्शन एकदम सॉफ्ट एक्शन है। इस तरह और हर जो हम लोग जिग करते हैं उसके बाद में 3-4-5 सेकेंड का आप टाइम दें ताकि जिग को फॉल होने, फ्लैटर होने के लिए टाइम मिलेगा। अगर आप ऐसी एरिया में फिशिंग करते हो कि जहाँ पे पानी ज़्यादा है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, यानी आप इस जिग को बहुत ज़्यादा नीचे तक छोड़ सकते हैं और जैसे आप जिगिंग करेंगे इंटरवल आप ज़्यादा दे सकते हैं 10 सेकेंड। तो बिगिनर्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगा अबाउट 5 सेकेंड्स आप काउंट करें हर एक जिग करने के बाद में, कि 5 सेकेंड के बाद में आप उसको खींचे
और आप काउंट करें 5 सेकेंड और फिर खींचे। अगर पानी ज़्यादा रहेगा तो आप 10 सेकेंड तक आप वेट कर सकते हैं, और अगर रॉकी स्ट्रक्चर है तो आप थोड़ा ध्यान से करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पानी कितना है और रॉक्स कहाँ पर है, वरना आपका जिग यानी स्नैग होके टूट सकता है। अभी पहले हमने देखे स्टडी फॉल एक्शन, अब आपको मैं शॉर्ट जर्क्स के एक्शन बताता हूँ। इसके ऊपर भी अगर ट्रिवली फिश होंगे तो अच्छा स्ट्राइक मिलेंगे दोस्तों। बॉटम तक के लिए, और बाकी आप जैसे स्वीप करते हैं और ये एक्शन होना है। इसके ऊपर भी दोस्तों अच्छा सा स्ट्राइक मिलता है। दोस्तों और एक टेक्निक है स्टेडी डबल जर्क, यानी आप एक बार में दो जर्क देंगे। ये देखिए इसके ऊपर भी अच्छा स्ट्राइक मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों हर जर्क के बीच में कितना इंटरवल होना चाहिए ये आप तय कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ। तो अब देखिए वो आप कैसे इसको एडजस्ट करते हैं। ये देखो आप, मेरा जिग कम से कम 60-70 मीटर के बाहर मैंने कास्ट किया है, तो वहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है, तो मैं वहाँ के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेकेंड का इंटरवल दे रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 तो ऐसे आप काउंट कर सकते हैं हर जर्क के बीच में आपको कितना इंटरवल देना है। देखिए अगर जैसे आपका जिग शोर के करीब आ जाएगा तो आप कम टाइम दे उसको, नहीं तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं अटकने के। और एक बार मारो तो गाइस, ये फॉल का जो टाइमिंग है इसको आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने के बाद में ही आप इसको तय कर सकते हैं कि आप किस स्पॉट में कहाँ पे कितना आप उसको फॉल करने दे रहे हैं। यूजुअली जो जिग का जो स्ट्राइक होता है ये फॉल के ऊपर होता है, जैसे आप उसको रुकाएंगे जैसे जिग नीचे जाएगा तब इसको मच्छी पकड़ती है दोस्तों। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, कंटिन्यूस एक्शन आप देते रहेंगे तो मच्छी स्ट्राइक होने के चांसेस थोड़ा कम रहते हैं। जैसे फॉल होगा आप फॉल के लिए टाइम देंगे, जब जाके मच्छी को चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है जिग को पकड़ने के लिए।
चलिए अभी देखते हैं कैसे हम इसके ऊपर मछली पकड़ते हैं दोस्तों। वापसी से वही लगा गया फिर से। नाइस कैच। क्या करो छोड़ो ना। कैच एंड रिलीज। एक ओके। One more. दोनों फाउल हो गए। अरे कॉकर इधर मारता है बोल के इधर आता तो मिलता है। आगे लगता है।
और एक कैच एंड रिलीज आज का सबसे बड़ा मछली नहीं आज का कोकेर मिला। यस गाइस, आज रील यूज कर रहे हैं शिमानो ट्विन पावर और लाइन है 131 और ये है फैंटम स्नैपर 902 जिसका कास्टिंग वेट है अबाउट 100 ग्राम्स। तो दोस्तों हम आराम से इस पे 50-60 ग्राम्स के जिग आराम से यूज़ कर सकते हैं और हमने किया भी है। बहुत बेहतरीन एक्शन आता है दोस्तों इस पे। तो गाइस ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और लाइक करना ना भूले दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय।